दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के लिए मेगा ऑक्शन होना तय है और उसे देखते हुए खिलाड़ियों के रिटेंशन की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 फ्रेंचाइजी अधिकतम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस ने अपने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा फैसला किया है। आखिर क्या है पूरी खबर वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों लीग की सबसे सफल टीम मुंबई ने यह साफ कर दिया है कि वह हार्दिक को रिटेन नहीं करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आईपीएल के एक आधिकारिक के हवाले से बताया कि हार्दिक की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनके रिटेंशन की उम्मीद कम ही है, क्योंकि हार्दिक पिछले कुछ सालों से चोट और अपनी फिटनेस से जूझ रहे हैं, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर भी पड़ा है। बता दें उन्होंने हाल के सीजन में 14 मैच में 14 की औसत से 127 रन बनाए हैं। यही नहीं, वह पिछले 2 सीजन से टीम के लिए गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं। आगे अधिकारी ने बताया कि रिटेंशन नियम को देखने के बाद मुंबई रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और किरण पोलार्ड को रिटेन कर सकती है। साथ ही चौथे खिलाड़ी के रूप में सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन में से किसी एक को टीम अपने साथ रख सकती है। उन्होंने कहा हार्दिक को बाहर रखना पूरी तरह से क्रिकेटिंग है, क्योंकि टीम यह समझ रही है कि वह अब खतरनाक ऑलराउंडर नहीं रहे। हालांकि हार्दिक को टीम नीलामी में बजट को ध्यान में रखते हुए अपने साथ जोड़ सकती है। बहरहाल आगे देखना होगा कि ऑफिशियली तौर पर मुंबई हार्दिक पांड्या के साथ क्या करती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।